अच्छा किया जोरा कि तुम आ गई। राइट तो ना तो तुम्हें ये याद है कि अक्रम कौन है और तुम ये भी भूल गई कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसने आज तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुम्हें गजनी के आमिर खान की तरह सडनली सब कुछ भूल गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे मुंह पे आज सुबह ऑलरेडी एक दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने जो कुछ किया एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए किया। लेकिन अगर तुमने अकरम की सगाई कायनात से होने से नहीं रोकी ना, तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा। अब तुम खुद अपने मुंह से सबको सच्चाई बताओ। सगाई कर रहे हो, लेकिन तुमने तो कहा था ये सारा ड्रामा तुम अपनी अम्मी की खुशी के लिए कर रहे हो। ये ड्रामा नहीं है अकरम, हकीकत है ना? ये मेरे होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला है। बेटा रोते नहीं, कायनात ये सब झूठ है, ये सिर्फ उस चश्मे वाली लड़की की चाल है। तूने मेरी छोटी को धोखा दिया, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। नहीं फेंक के आता उसे। आजाद, अकरम ने मुझे देख लिया है मम्मी। आंखें जो देखती जुबान उसे कहे बिना रुक नहीं पाती। भाईजान, माहिरा जा रही है, प्लीज उसे रोकिए।
सोचिए भाईजान, अगर मायरा ने उस लड़के को एक्सपोज नहीं किया होता तो मेरा क्या होता? से दूर रहना, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिखनी। कल सुबह होने से पहले इस घर से दफा हो जाना। भाईजान, अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता है। हमें मान लेना चाहिए कि मायरा सही थी और हम गलत। गलत तो वो लड़का था। अगर वो मुझे जिंदगी में कभी दोबारा नजर आ गया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। और हमें किसने बताया कि वो लड़का गलत था? माहिरा ने। भाईजान, प्लीज रोक लीजिए उसे। अगर आपने उसे नहीं रोका तो मैं इस घर में किसी से बात नहीं करूंगी। कायनात, मुझे अभी जाकर माहिरा को रोकना होगा। आजाद, कायनात बच्ची है, तुम तो समझदार। एक मामूली सी नौकरानी की वजह से तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें देर हो रही है, शाम होने वाली है। तुम्हें याद है ना आज कौन सी रात है? आज तो जुआ के पहले चांद की रात है, चांद है खास। पिछली बार भी नीले कचनार के फूल की तलाश में हमने शिकस्त खाई थी। कहते हैं कि वक्त अपने आप को दोहराता है। मैं चाहती हूं कि तुम वक्त की आदत को बदल दो। आज 4 बरस बाद वो नीले कचनार का फूल खिलेगा। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए वो नीले कचनार का फूल लेकर आओ। हमें 4 बरस और इंतजार नहीं कर सकते। गुजरे बरसों का असर एक पांव तक तो आ चुका है, अगले 4 बरसों में पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा। सुबह होने से पहले वो नीले कचनार का फूल मुझे चाहिए। कुछ भी करो आजा, मुझे वो फूल चाहिए। या तो कल सुबह होने तक वो नीले कचनार का फूल आपके कदमों में होगा, या फिर कल का सूरज नहीं निकलेगा। आजाद, तुम्हें याद है ना कि वहां जाने से पहले तुम्हें घुसले कचनार करना होगा। वो लड़की को रोकने के लिए मैं सारा और बानो को बोल दूंगी। नहीं अम्मी, कायनात ठीक कह रही थी। उस लड़की का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं वो एहसान चुका तो नहीं सकता, लेकिन उसे रोककर मैं उस एहसान का बोझ कम जरूर कर सकता हूं। उसले कचनार में बात नहीं करूंगा। इससे पहले कि आप अपने जाने पहचाने अंदाज में मुझ पे चिल्लाएं, मैं आपको बता दूं कि मेरा कुछ सामान रह गया था, मैं वो लेने आई थी। कुछ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां थी, मेरे अब्बू के कुछ नोट्स थे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में। नहीं समझा? सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि ऊपरी ताकत। Yeah!
और हाँ, मैं बहुत ही गैरतमंद लड़की हूँ, इसलिए अगर आप मुझे रोकने आए हैं तो आई एम सॉरी, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। रोकना भी मत। रुक जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका एहसान नहीं चाहिए मिस्टर इंडिपेंडेंट। कायनात चाहती है कि तुम रुक जाओ। मैं नहीं रुकूंगी तो कायनात को बुरा लगेगा। हाँ तो ठीक है, कायनात क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अच्छे लोगों का दिल नहीं दुखा सकती, लेकिन हाँ उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहने पड़ेंगे, प्लीज, सॉरी और थैंक यू। क्या 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 ऊंचा सुनते हैं? सॉरी उसके लिए जो आपने किया, थैंक यू उसके लिए जो मैंने किया, और प्लीज कहेंगे तो मैं रुकूंगी। जल्दी बोलिए। I don't do sorry or thank you. ये सब ना करते नहीं है, बोलते हैं। इंग्लिश नहीं आती तो मत बोलिए। रहने दीजिए, अब आपसे नहीं होगा। सिर्फ सॉरी भी बोल देंगे मैं तब भी रुक जाऊंगी। बोलिए। सॉरी वो लोग कहते हैं जो सॉरी फील करते हैं। ओह कम ऑन हल्क, मुझ पे गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? सॉरी तो मैं उससे बुलवा के ही रहूंगी। सॉरी मैं बोलूंगा तो चलेगा? तुमने जो कायनात के लिए किया है उसके लिए आई वांट टू टेक यू आउट समवेयर, डिनर, डांस, जो तुम्हारा दिल करे। मतलब डेट? हाँ डेट। क्या हुआ, तुम ठीक तो? हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ ना मुझे चक्कर आने लगते हैं। याद रखना, डेट बाय द पूल साइड। हाँ क्वीन, 25 सालों का इंतजार आज खत्म होगा। आजाद बस घुसले कचनार करके तैयार हो रहा है। चांदे खास है, जुहा की पहली का चांद, कहीं मैं कुछ करना तो। नीले कचनार का फूल आधी रात में खिलता है, जब पूरे चांद की आधी रात होती है तब तुम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। बेटा तुम आप फिक्र मत कीजिए, इस खतरे के बावजूद मैं वो फूल लेकर आऊंगा, मुझे खुद पर काबू रखना ही होगा, क्योंकि सवाल आपकी और कायनात की जिंदगी का है।
माहिरा, कायनात, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कायनात, ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने जो किया वो अपने दोस्त के लिए किया, और वैसे भी तुम बहुत स्पेशल और तुम बेस्ट डिजर्व करती हो। मेरी फैमिली भी यही कहती है, पर क्या मैं इस लायक हूं? देखो कायनात, जिंदगी में कुछ भी बिना वजह बिना रीजन के नहीं होता। तुम देखना, बहुत जल्द तुम एकदम ठीक हो जाओ। लेकिन मैं जानती हूं मायरा, ये कभी ठीक नहीं होगा। अल्लाह, उन्हें कहा था इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। हाँ, अगर कहीं मुझे वो नियामती नीले कचनार का फूल मिल जाए ना, अल्लाह, आज तो चांदी खास है। चूहा की पहली रात का खास चांद। बेटा, ये जो जुआ की पहली रात होती है ना, वो चार बरस में एक बार आती है, और आज ही के दिन चांदी खास निकलता है। और बेटा, उसी चांदी खास की रोशनी से ना वो नियमती नीले कचनार का फूल खिलता है। ये जो नीले कचनार का फूल होता है ना, इसमें बड़ी जादुई ताकतें होती हैं। हाँ, और ये दुनिया की सारी बीमारी, सारी चोट सब सही कर देता है। ये खास फूल सिर्फ खास लोगों को मिलता है, और मेरी बच्ची तो बहुत ही खास है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये फूल जरूर मिलेगा। अब वो नीले कचनार का फूल कहाँ मिलेगा मुझे? माहिरा, ये इकलौता फूल है जो चांदे खास की चांदनी में चमकता है, तो तू चांदनी के पीछे चल, वो देख, वो रही चांदनी।
जब तुम उस नीले कचनार को देखोगी तब ये सोचना कि उस नीले कचनार से तुम किसी की मदद करोगी। कायनात, हाँ, इस वक्त इस फूल की सबसे ज्यादा जरूरत उसी को ही है।